नमस्ते प्यारे और ठंड का आनंद लेते हुए बच्चों, नहीं ले रहे हो तो लेना शुरू करो। हर मौसम का मजा लेना चाहिए। कोई मौसम खराब या अच्छा नहीं होता, बस सिर्फ मौसम होता है। अच्छा नंबर 36 सेकेंड एक्शन एडी कार्ड पढ़ना शुरू किया था। मैं तुमसे कहा था कि तुम एनसीईआरटी लेकर आओगे, उसमें एक आर्टिकल जो तुम्हें देखना है। एनसीईआरटी ओपन करो। पार्ट वन, पेज नंबर 240। इसका जो शॉर्ट एग्जांपल है वो तो अपने आप करना ही है। 6.6 एंड 6.7 उसका आइडिया मैंने तुमको दिया था। मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल 6.7 एनर्जी कंजर्वेशन ए क्वांटिटेटिव स्टडी, पेज 215। मिल गया तुमको? इसमें देखो कुछ एक्सप्रेशन हैं, उनसे तुम्हें फैमिलियरिटी होनी चाहिए। रिलेटेड है, अगर कोई कंडक्टर मूव करता है और अरेंजमेंट कुछ इस तरह का है, इस तरह से यू शेप का फ्रेम बना हुआ है, इस पर कंडक्टर को मूव करा रहे, तो सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगा। वो जो करंट होगा वो कितना होगा? मोशनल ईएमएफ अपॉन इस सर्किट का रेजिस्टेंस। अगर मोशनल ईएमएफ है बीवीएल, जैसे कि हमने ड्राइव करके निकाला, जहां पर बी मैग्नेटिक फील्ड है, बी वेलोसिटी से कंडक्टर को चला रहे हैं, उसकी लेंथ है, तो ये हो गया बीवीएल अपॉन आर। अब कोई करेक्ट करें, कंडक्टर जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर एक मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स लगता है आईएलबी। तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स होगा आईएलबी। आई से ये हो गया, इसमें एल और बी रिपीट हो गए, तो हो गया बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी अपॉन आर। इलेक्ट्रिक पावर में एक फॉर्मेट हमने यूज नहीं किया था, तुमको बोला था मैग्नेटिज्म में यूज करेंगे। रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क यूज किया था, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी यूज किया था, रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट वो भी यूज किया था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी यूज नहीं किया था, यहां यूज करेंगे। जो पावर चाहिए होगी इसको चलाने के लिए, एक्चुअल में होता क्या है, ये फोर्स है जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण लग रहा है। अगर तुम इसके बावजूद इसको मोशन में रखना चाहते हो, चलाना चाहते हो, इतना ही फोर्स तुमको लगाना होगा। और तुम कांस्टेंट वेलोसिटी वी से मूव कराना चाह रहे हो इसको, तो एफ डॉट वी, तो डॉट तो यहां पे खत्म हो जाएगा, एफ वी कॉस जीरो हो जाएगा। तो जो एक्सप्रेशन बनेगा इसके साथ वी मल्टीप्लाई होते ही बनेगा b square l square v square upon r। अब जब तुम ग्राफ खींचते हो, फ्लक्स में चेंज कैसे हो रहा है टाइम के साथ, फोर्स कैसे वैरी कर रहा है टाइम के साथ, पावर कैसे वैरी कर रही है, इन सबका ग्राफ हम खींच सकते हैं। तो वो ग्राफ जो है अगले सॉल्ड एग्जांपल 6.8 में उसको एक्सप्लेन किया है।
तो वाला ग्राफ देखो, ये वाला क्वेश्चन जिसमें चार ग्राफ बने हुए तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, तो मैं इसको ध्यान से समझना है ग्राफ को। एक बार में नहीं आए, दो बार में समझना है, तीन बार में, तीन बार तक में अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले उसकी सिचुएशन देखो, जो यू शेप्ड फ्रेम है उस पे हम जो स्लाइडर को मूव कर रहे हैं उसमें तुम्हें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहा है, वो कुछ दूरी तक है। एक्स इक्वल टू कहां से कहां तक है? जीरो से लेकर बी तक है, और फिर बी से टू बी तक कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो जब मैं इसको चला रहा हूं जीरो टू बी, तब तक तो मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज होगा, उसके बाद बी से टू बी मूवमेंट में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। फिर वापस जब लेके आऊंगा टू बी से भी कोई चेंज नहीं, फिर बी से जीरो तक लाऊंगा, तो पूरे साइकिल के लिए ग्राफ ड्रॉ किया, एक बार ले गए एक बार वापस लेकर आए, पर ग्राफ सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब तुम फ्लक्स वाला ग्राफ देखते हो तो शुरू में जीरो टू बी तक में बढ़ रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है क्योंकि कॉन्स्टेंट स्पीड से चला रहे, उसके बाद बी से लेकर टू बी तक कॉन्स्टेंट हो गया, सेंटर आ गया ग्राफ का, टू बी से बी तक फिर से कॉन्स्टेंट है, वापस लौट आ रहे, और फिर जब बी से जीरो तक जा रहे फिर घटकर जीरो हो रहे। फैराडे लॉ अगर हम लगाते हैं, ये फ्लक्स इस तरह से चेंज हो रहा है, फ्लक्स में चेंज होने की जो रेट होती है वो ईएमएफ होती है, उसका नेगेटिव। तो जब फ्लक्स बढ़ रहा है तो नेचुरल जो ईएमएफ कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ रहा है, नेगेटिव होगा, इसलिए ग्राफ नीचे चलेगा। ठीक है, तो लॉजिकली ऐसे बाकी ग्राफ्स को भी तुम समझ सकते हो जो फोर्स और पावर के लिए खींचे गए, ऐसे एक्सप्रेशन निकाल कर। तो ये आर्टिकल तुम्हें अपने आप तैयार करना है। इससे पहले डायरेक्शन की बात में कर रहा था, तो तुम आओ पेज नंबर 212 पर, जो फिगर 6.10 दिया है, इस 6.10 में करंट की डायरेक्शन तुम्हें दिखाई दे रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो वेरीफाई कर सकते हो, चाहे लेंज लॉ लगाओ या फिर तुम लगाओ यहां पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, दोनों ही से ये डायरेक्शन गलत है। ये डायरेक्शन केवल तब हो सकती है जब बी वेलोसिटी से कंडक्टर को टुवर्ड्स लेफ्ट ले जाने की बजाय टुवर्ड्स राइट ले जाए, तो या तो वेलोसिटी का एरो उसमें तुम करेक्ट कर दो तो डायग्राम सही हो जाएगा, नहीं तो डायग्राम में जो दिखाई हुई डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज करनी होगी। तो बेटर ऑप्शन है बी की डायरेक्शन हम चेंज कर दें, उतना काफी होगा। ठीक है, वापस लौटते हैं। एडी करंट को पढ़ना शुरू किया था, फोकॉल्ट ने डिस्कवर किया कि कोई मेटल का ब्लॉक है, अगर उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इसमें छोटे छोटे बहुत सारे सर्किट्स बन जाते हैं थ्रू आउट इट्स होल वॉल्यूम, और उसमें करंट इंड्यूस हो जाती है, और उस करंट को बोलते हैं एडी करंट्स, क्योंकि वो एडीज की फॉर्म में बावर बनाते हैं इंड्यूस होते हैं। एक सवाल तुम करते थे 11th क्लास में, तुमसे पूछते थे कि एक मिट्टी की ईंट, एक लोहे की ईंट, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते थे, दोनों को ऊपर से गिरा है, एक ऊंची बिल्डिंग की छत से गिरा है, कौन पहले पहुंचेगा? तुम्हारा जवाब होता था दोनों एक साथ पहुंचेंगे, क्योंकि दोनों पर जी सेम लग रहा है। काइनेमैटिक्स की इक्वेशंस अगर हम देखें, एक होता है काइनेटिक्स, एक होता है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में मास पिक्चर में नहीं आता, कॉज ऑफ मोशन यानी फोर्स पिक्चर में नहीं आता, सिर्फ मोशन, प्योरली मोशन स्टडी कर। जी दोनों के लिए सेम है, ए रेजिस्टेंस को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। सेम क्वेश्चन आप पूछते हैं एडी करंट्स पढ़ने के बाद, एक ईंट, दोनों आइडेंटिकल है, एक मिट्टी से बनी एक मेटल से बनी, दोनों को गिराया, कौन सी ईंट पहले पहुंचेगी? No answer is change. तुम्हारा जवाब है मिट्टी वाली पहले पहुंचेगी और जो मेटल से बनी है वो बाद में पहुंचेगी। The reason behind, मेटल वाली जब गिर रही होगी अर्थ के मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, इससे रिलेटेड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटेंगी, वो फ्लक्स चेंज होगा, तो इसके पूरे वॉल्यूम में एडी करंट्स इंड्यूस हो जाएंगी। जितनी भी तरह की इंड्यूस करंट होती है, जब नाम आ गया इंड्यूस करंट, तो ये तय मानो उसकी डायरेक्शन के लिए हम लगा सकते हैं फ्लैम, ये लेजेस लॉ।
तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कितनी भी तरह की कोई भी किसी भी तरह की इंड्यूस करंट हो उसकी डायरेक्शन के लिए लेंज लॉ यानी उसी कॉज को अपोज करेगी जिसकी वजह से एग्जिस्टेंस में आएगी गिरने की वजह से एग्जिस्टेंस में आएगी क्योंकि इससे रिलेटेड फ्लक्स चेंज हो रहा है इसलिए एग्जिस्टेंस में आएगी गिरने को अपोज करेगी गिरने को अपोज करने का मतलब इसका एक्सेलरेशन जी से कम होगा तो ये बाद में पहुंचेगी मिटने वाली हीट पहले पहुंचेगी ये एडी करंट का कॉन्सिक्वेंस है एडी करंट कई जगह डिजायरेबल है हम चाहते हैं कि डेवलप हो कई जगह अनडिजायरेबल है हम चाहते हैं कि डेवलप ना हो हमें दोनों सिचुएशंस स्टडी करनी है कहां डिजायरेबल है कहां पर अनडिजायरेबल स्टामा करके पैराग्राफ में लिखोगे एडी करंट्स आर अनडिजायरेबल एडी करंट्स आर अनडिजायरेबल इन कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इन सीओआर कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर मोटर जनरेटर कॉ सो These cores are made from laminated strips first of उसे क्या हो जाएगा एडी करंट के सर्किट ब्रेक हो जाएंगे हम पूरा का पूरा एक मेटल का ब्लॉक लेने की बजाय उसको पतली पतली पत्तियों में काटकर बनाते हैं पत्तियों को जोड़कर और ऐसी हर मेटल की स्ट्रिप पर पेंट के लेयर चढ़ा देते हैं जिससे वो आपस में कोई इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट उनके बीच नहीं रहता तो एडी करंट के जो सर्किट्स बड़े बड़े बनने थे वो सब ब्रेक हो जाते तो लैमिनेटेड कोर यूज करते हैं जहां पर ही अनडिजायरेबल है कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर मोटर जनरेटर जहां कहीं भी फ्लक्स में चेंज होने की संभावना है बिकॉज वहां एसी करंट फ्लो है तो इसको तुम फिजिक्स लैब में जाकर लाइव देख सकते हो कि किस तरह से कोर को लैमिनेटेड किया जाता है ट्रांसफॉर्मर खोलकर वहां पे दिखाया हुआ है इसी में कंटिन्यू करो एस एस करके डैश लगा लो इसको एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल इज क्वाइट सिंपल कि एक तांबे की पत्ती है उसको हमने धागे से बांध के लटका दिया और इससे बना दिया सिंपल पेंडुलम और मैं इसको ऑसिलेट कराता हूं एंगल थीटा से डिस्टर्ब किया इसकी मीन पोजीशन से ये ऑसिलेट करती है इसका सर्टेन टाइम पीरियड है वो है टी वन और जितने समय तक ये ऑसिलेट करती रहती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एट द हिंजेस एफ रेजिस्टेंस उसकी वजह से कुछ टाइम बाद ये रुक जाएगी तो टोटल जितने टाइम तक ये हिल ऑसिलेट करती रही वो स्मॉल डी सिचुएशन चेंज अब की बार मैंने एक मैग्नेट को रखा असम्पशन ये है कि कॉपर वैसे हम जानते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है It will be repelled from magnet, पर वो जो repulsion है वो negligible है ऐसा हमने मान लिया तो magnet की वजह से repulsion जैसा कुछ नहीं होगा Here is magnet, फिर से मैंने इसको disturb किया angle theta से और फिर से मैंने note किया अब की बार time period आया T2 total time of oscillation आया Small T2. बनाते चलो इंतजार मत करो. Now the third situation. अब की बार इस कॉपर के स्ट्रिप में मैंने स्लॉट्स काट दे. इसको ऐसे कर दिया कंघी नो. स्लॉट्स कट. J
नीचे मैग्नेट रखा हुआ है, फिर से इसको डिस्टर्ब किया सेम एंगल थीटा से, फिर से नोट किया, अब की बार टाइम पीरियड T3 एंड टोटल टाइम ऑफ ऑसिलेशन स्मॉल T3. What can you say about the relation between in men or in men? You have to put symbols equal to, less than, greater than. एडी करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको जवाब देना है. हम जानते हैं टाइम पीरियड होता है टी कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी. क्या तीनों सिचुएशन में जी में कोई चेंज है? जी इफेक्टिव हम लगा देते हैं. कई बार ऐसा होता है कि पेंडुलम जो है किसी बस या कार की छत से लटका हुआ होता है, कार ढलान पर जा रही होती है, हमें जी इफेक्टिव यूज करना होता है, या फिर वो पेंडुलम किसी लिफ्ट में होता है, लिफ्ट ऊपर जा रही होती है नीचे आ रही होती है, तो हमें जी इफेक्टिव यूज करना होता है. यहां पर अगर मैं ये इमेजिन करता कि मैग्नेट इस पर कोई फोर्स लगाएगा तब तो जी इफेक्टिव चेंज होता, पर मैग्नेट कोई फोर्स नहीं लगा रहा है या नेग्लिजिबल फोर्स लगा रहा, तो जी इफेक्टिव में कोई चेंज नहीं. तो मैग्नेट फिर कैसे काम कर रहा है? जैसे एयर रेजिस्टेंस काम कर रहा था वैसे काम कर रहा है. इस मैग्नेट की प्रेजेंस की वजह से इसमें जो एडी करंट्स बनेंगी उनकी डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन इस तरह से होगी कि उधर जाने को भी अपोज करेगी और इधर आने को भी अपोज करेगी, जैसे एयर रेजिस्टेंस अपोज करता है. एडी करंट विल प्रोवाइड अपोजिशन ओनली, अपोजिशन produces damping effect only. Motion को damp करेगा मतलब amplitude of oscillation जल्दी से कम होते 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 वो रुक जाएगा, जैसे कि pendulum को पानी में oscillate कर रहा है, buoyancy का effect neglect कर दे तो इधर जाना उधर जाना damping effect आएगा खाली. Otherwise क्या होता है, buoyancy भी consider करो तो एक force ऊपर की तरफ लग जाता है, तो G factor change हो जाता है. तो वैसे ही कुछ लेंथ में कोई चेंज नहीं है, यहां से लेकर यहां सेंटर ऑफ मास तीनों सिचुएशन में सेम है, दैट्स व्हाई टाइम पीरियड विल रिमेन सेम, नो चेंज. इतना क्या सोचना पड़ रहा है भाई? उसके बाद टोटल टाइप ऑफ ऑसिलेशन ये तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो. यहां पे सबसे जल्दी रुक जाएगा ये, यानी T2 विल बी स्मॉलेस्ट, सबसे ज्यादा टाइम तक ऑसिलेट करेगा. यहां पर रोकने वाला कोई नहीं, एडी करंट सर एब्सेंट. यहां पर एडी करंट के सर्किट ब्रेक हो गए जैसा अभी तुम्हें लिखवाया, एडी करंट के सर्किट ब्रेक हो गए तो उसकी वजह से एडी करंट्स कंपैरेटिवली कम हो जाएंगी तो T3 T2 से ज्यादा होगा. अब जो भी कोई डाउट है पूछ सकते हो. एडी करंट को और अच्छे से समझने के लिए हम इनकी एप्लीकेशन डिस्कस करें. मैं सिर्फ नाम लिखवाऊंगा तुमको और हर एक नाम के साथ एक वीडियो दिखाऊंगा. वीडियो दिमाग में देखना है तुम्हारे को, अपने अंदर एक प्रोजेक्ट करके आना, दिमाग में देखना है. वीडियो जब तुम देख लोगे तो ये अटैच होकर ये फाइल तुम्हारे माइंड में कहीं ना कहीं पड़ी रहेगी, फिर दोबारा से तुमको एडी करंट आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं, याद रहेगा तुम्हारी मेमोरी में हमेशा की जिंदगी भर की. तो सब हेडिंग एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन में फर्स्ट पॉइंट इंडक्शन फर्नेस. इंडक्शन फर्नेस एक साफ सुथरी भट्टी होती है,
फॉर्टिस यानी भट्टी, जिसमें मेटल को गलाया जाता है, पिघलाया जाता है। इसको पिघलाने के लिए कोई भी फ्यूल जलाने की जरूरत इंडक्शन फर्नेस में नहीं होती, जैसे कोयला, लकड़ी, कुछ भी जलाने की जरूरत नहीं है। तो कुछ रेजिड्यू भी नहीं बचता, कोयला को जलाएंगे तो राख बचेगी, पर यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कैसी होती है इसका स्ट्रक्चर इमेजिन करो। जैसे कोई सिलेंड्रिकल वेसल है, उसके चारों तरफ कॉपर की कॉइल्स को लपेट दिए। इमेजिन करो इस कमरे के चारों तरफ बड़े बड़े मोटे मोटे तांबे के तार लगा दिए जाए, उनमें हाई फ्रीक्वेंसी की एसी पास कर दी जाए, अल्टरनेटिंग करंट। तो कितनी देर तक तुम इन बेंचेस पे बैठ पाओगे? जल्दी ही, बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस मेटल ऑब्जेक्ट। गर्म होगा, क्यों गर्म होगा? एडी करंट का हीटिंग इफेक्ट। इन सब में एडी करंट इंड्यूस होंगी, करंट फ्लो हो रही है मेटल में, रेजिस्टेंस नहीं के बराबर है, रेजिस्टेंस नहीं के बराबर है तो करंट का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, आई स्क्वायर आर टी इफेक्ट होगा, ये सब गर्म होने लगेंगे। कोर को हमने लैमिनेटेड इसीलिए किया था क्योंकि एडी करंट कोर को गर्म कर देती, जैसे हिस्टेरेसिस लॉस की वजह से गर्म होती है, वैसे एडी करंट लॉस की वजह से भी गर्म हो जाती है। हिस्टेरेसिस लॉस को कंट्रोल करना है तो सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं, एडी करंट को कंट्रोल करना है तो कोर को लैमिनेटेड कर देते हैं, परतदार बनाते हैं। तो रेड हॉट हो जाएगी धीरे धीरे, गर्म होकर बेंचेस पे ज्यादा देर तो नहीं बैठ पाओगे। तो अगर वो सिलेंड्रिकल वेसल के बीच में जो भी मेटल स्क्रैप में पिघलाना चाहता हूं वो डाल दू, तो उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से वो गर्म होगा, फिर पिघल जाएगा, मेल्ट हो गया, तो फर्नेस का काम कर दिया उसने। ये सब तुमने देखी है फर्नेस, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पिक्चर में तुमने ऐसा सीन देखा है जहां पे फाइट सीन है, लड़ाई चल रही है हीरो और विलेन के बीच, बैकग्राउंड में फैक्ट्री है, ये कोई वेसल सब पीछे टिल्ट हो रहा है जिसमें से पिघला हुआ रेड हॉट मेटल नीचे गिर रहा है, वो जो वेसल टिल्ट हो रहा है वो एक्चुअल इंडक्शन फर्नेस। जितनी भी मेटल इंडस्ट्रीज होती है एसेंशियली वहां पर इंडक्शन फर्नेस होती ही होती है, मेटल स्क्रैप को पिघलाने के लिए। तो हम एडी करंट का हीटिंग इफेक्ट यूज करते हैं इंडक्शन फर्नेस में मेटल को पिघलाने के लिए। बीच में रिफ्रेक्टरी मटेरियल की कोटिंग कर देते, नहीं तो कॉइल जो लगाई है तांबे की वो खुद ही मेल्ट हो जाएगी। तो अग्नि सह स्तर, जैसे तुमने देखा चूल्हे को लीप देते मिट्टी, गोबर, भूसा, तीनों का मिक्सचर एक तरह का रिफ्रेक्टरी मटेरियल होता है, ऐसे रिफ्रेक्टरी मटेरियल की कोटिंग कर देते कॉइल पे बाहर भी और कॉइल के अंदर की तरफ भी, तो कॉइल सेम रहती है, उस तक हीट कंडक्ट नहीं हो पाते। सेकेंड इंडक्शन मोटर, अगली शॉर्ट क्लिप चालू करो दिमाग में, 3D8 का वो सीन जब राजू ने पूछा, राजू से पूछा गया इंडक्शन मोटर कैसे चलती है, उसने बताया बोर्ड बोर्ड। तो इंडक्शन मोटर जो सीलिंग फैन है इसके अंदर इंडक्शन मोटर है, जो वॉल फैन है इसके अंदर इंडक्शन मोटर है। इंडक्शन मोटर की खास बात है ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री है, बहुत पुराने समय के पंखे आज भी हवा दे रहे हैं। रेलवे स्टेशन का भी जाओ तो वेटिंग रूम में सर ऊपर करके देखना, अंग्रेजों के जमाने का पंखा आज भी चल रहा है, बिकॉज इंडक्शन मोटर में मेंटेनेंस नेग्लिजिबल है, उसका काम करने का तरीका ही ऐसा है। अच्छा, ये सिर्फ एसी से चल सकती है, डीसी से नहीं चला सकते, इंडक्शन होगा सिर्फ एसी के केस में जब चेंज होगा। तो इस इंडक्शन मोटर में बेसिकली दो पार्ट है, एक का नाम है रोटर जो घूमता है, लैब में जाकर देख सकते हो, सिंपलेस्ट इंडक्शन मोटर खुली हुई वहां पर है, सब पार्ट्स दिखेंगे उसमें। दूसरा पार्ट है स्टेटर, स्टेटर जो स्टेशनरी रहता है, रोटर जो घूमता है, दोनों को जोड़ते बॉल बेयरिंग से। जब भी तुम्हें एक मूविंग पार्ट और एक स्टेशनरी पार्ट को कनेक्ट करना है तुम्हें यूज करना पड़ेगा बॉल बेयरिंग। जब तुम साइकिल पर बैठे होते हो, साइकिल चल रही होती है, पहिया घूम रहा होता है, तुम स्टेशनरी होते हो, ये पॉसिबल हो पाता है ओनली बिकॉज ऑफ बॉल बेयरिंग, नहीं तो पहिए के साथ तुम्हें भी घूमना पड़ेगा। तो
स्टेटर में हम कॉइल्स लगा देते हैं अरेंज करके, कॉइल के दो सेट होते हैं। तुमने कभी कभी गौर किया हो, पंखे को कभी जोड़ा हो, कनेक्ट किया हो, हम दे रहे सिर्फ लाइव और न्यूट्रल उसको, और वहां से निकल रहे तीन तार, हम दो दे रहे हैं वहां से तीन निकल रहे, तो वो तीन तार दो कॉइल के एंड से कॉमनली एक एंड कनेक्ट करके उसको न्यूट्रल दे दिया जाता है, दोनों के दूसरे जो दो एंड बचे, क्योंकि दो कॉइल एक एंड को कॉमन किया, चार टर्मिनल थे दो को जोड़ दिया वो कॉमन, उसको न्यूट्रल दे दिया, बचे दो टर्मिनल, दो फेज है। अब इनके बीच में फेज में डिफरेंस इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लगाते हैं कैपेसिटर, पंखे में जो कैपेसिटर लगा होता है, कैपेसिटर तुम्हें पता है करंट को आगे कर देता है, वोल्टेज को पीछे कर देता है, कैपेसिटर लगाकर हम फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस करते हैं कॉइल्स के दो सेट के बीच, जिससे एक रनिंग इफेक्ट पैदा होता है। ठीक वैसे ही जैसे तुमने दिवाली पर देखा लाइटिंग जो लगाते सीरीज लगाते हैं, उसमें अगर अल्टरनेट बल्ब जल रहे हो बंद हो रहे हो, एक छोड़ के एक बल्ब बंद होता है फिर जलता है, तो एक रनिंग इफेक्ट आता है जो चलती हुई लाइट दिखती है हमको, सिमिलर इफेक्ट जनरेट किया जाता है रनिंग इफेक्ट अल्टरनेट कॉइल में फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस करके, कि जो बीच में रोटर लगा हुआ है, रोटर इज नथिंग बट लाइट मेटल पार्ट, मेटलिक सिलेंडर, जनरली एल्यूमिनियम का बना होता है, वेल डिजाइन, रोटर से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते हैं, उसमें एडी करंट्स इंड्यूस हो जाती है रोटर में, ये पंखा चल रहा है बिकॉज ऑफ एडी करंट्स, तो वो जो एडी करंट्स इंड्यूस हो जाती है उनकी डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग इस तरह से होती है, उसी कॉस को अपोज करती है जिसकी वजह से एग्जिस्टेंस में आई है, तो पंखा घूमना शुरू कर देता है, क्योंकि वो अपोज करने के लिए यानी वो चाहते हैं कि फ्लक्स में चेंज ना हो, तो जिस फ्रीक्वेंसी से बाहर स्टेटर में एसी घूम रही है उसी फ्रीक्वेंसी से रोटर घूमना शुरू कर देता है, इसलिए इंडक्शन मोटर चलती है। तीसरा देखो इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, मोटर को रिवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए यूज करें तो ब्रेक जैसा इफेक्ट आएगा। इमेजिन करो मेरे पास एक डंडा है, यानी अगला वीडियो क्लिप, पंखा भी चल नहीं रहा, अगर ये चलता है तो ऐसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज, मैंने डंडा मार के इसको घुमा दिया क्लॉकवाइज नीचे से देखने को, अब जैसे बटन ऑन करूंगा क्या होगा, पहले रुकेगा, रुकेगा मीन्स ब्रेक्स, तो ब्रेक लग जाएंगे इसमें, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेक्स। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में स्पेशली इलेक्ट्रिक ब्रेक्स भी होते हैं, जो पहिया घूम रहा है वहां पे एक रोटेटिंग ड्रम है, उसके चारों तरफ कॉइल का एक सेट है, कॉइल के उस सेट में अचानक जो हाई फ्रीक्वेंसी के एसी पास करते हैं वो इस तरह से पास करते हैं, उसका डायरेक्शन इस तरह से होता है कि जो ड्रम में एडी करंट्स इंड्यूस होती है वो उसके मोशन को अपोज करती है, तो बिना किसी वियर एंड टियर के आने वाले टाइम में नई टेक्नोलॉजी हो सकता है या जो एडी करंट यूज करके गाड़ियों में ब्रेक लगाना शुरू करें, बिकॉज इसमें किसी पार्ट का घिसाव नहीं होगा, दीज आर नॉट फ्रिक्शन ब्रेक्स, फ्रिक्शन होकर ब्रेक लगेगा तो कोई ना कोई पार्ट घिसेगा, इसमें कुछ नहीं घिसेगा, इसमें वो जो है एडी करंट जो इंड्यूस होंगे वो उसको स्लो डाउन कर देगा, तो क्या ब्रेक लगा लगा के गाड़ी को चलाया भी जा सकता है, जवाब है नहीं, क्योंकि ब्रेकिंग फोर्स में ब्रेकिंग मैकेनिज्म में कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई एडवांटेज यूज करते हैं, जैसे मैकेनिकल एडवांटेज, हाइड्रोलिक एडवांटेज, न्यूमैटिक एडवांटेज, ये सब क्या होते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज से तो फैमिलियर हो कि पुली ब्लॉक सिस्टम है, पुली के सिस्टम पर एक साइड फोर्स एफ लगा रहे हैं उधर से 4F मिल रहा है, जैसे लीवर में होता है कम फोर्स लगाकर उधर बड़े बड़े चट्टान को हिला लेते, तो इसको कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। इसी तरह से पास्कल्स लॉ तुमने पढ़ा है कि एक तरफ फोर्स कम लगाना पड़ेगा जिधर पिस्टन का एरिया कम है, तो सेम प्रेशर डेवलप होगा, ज्यादा फोर्स मिलेगा ज्यादा पिस्टन एरिया पर, तो इस कंसेप्ट को हम यूज करते हैं ब्रेक लगाने के लिए फोर व्हीलर्स में। ऑयल का प्रेशर यूज करते हैं तो बोलते हैं हाइड्रोलिक, अगर एयर प्रेशर यूज करें तो बोलेंगे न्यूमैटिक,
न्यूमैटिक टर्म यूज करते हैं एयर प्रेशर के साथ, तो गाड़ियों में हवा भराने के लिए जो कंप्रेशर तुम देखते हो टंकी सी होती है, उसमें से दो पाइप निकले होते हैं हवा भरने के लिए, एक चेक करने के लिए और एक भरने के लिए, तो उसको कहते हैं न्यूमैटिक कंप्रेशर। पर गाड़ियों में जो ब्रेक होते हैं जिसमें ब्रेक फ्लूइड होता है, तुम देखते हो पिक्चर में कि कोई नीचे घुसा उसने पाइप काटा और थोड़ा सा तेल बह गया, ब्रेक फेल हो गया, हैंड ब्रेक का सिस्टम नहीं होता, डायरेक्टर चाहते हैं कि हैंड ब्रेक, हालांकि ये पता होना चाहिए तुम्हें हैंड ब्रेक भी ब्रेक फ्लूइड से काम करता है। तो वो फ्लूइड बह गया, ब्रेक फेल हो गए, क्यों, ये कौन से ब्रेक से, हाइड्रोलिक ब्रेक से। एक अकेला आदमी एक लीवर खींचता है सर्विस स्टेशन पर कार ऊपर विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट, हाइड्रोलिक सिस्टम। तो ये क्या है एडवांटेज, हाइड्रोलिक एडवांटेज हमने यूज की, कम फोर्स लगाकर ज्यादा फोर्स पैदा की। तो ब्रेकिंग में हम ये यूज करते, तभी कई हजार टन वजन वाली रेलगाड़ियां, कितना वजन होता है एक ट्रेन का, वो जो डोडिया खेड़ा में सोना मिला था खजाना, याद है क्या, भूल गए, 3-4 साल हो गए। तो ये अनुमान लगाया जा रहा, मिला नहीं था मतलब मिलना था तो कई करोड़ टन सोना, या कितना करोड़ टन नहीं था शायद 1000 टन सोना निकलना था। तो ट्रेन का एक डब्बा ही 15,000 टन का होता है, एक टन में 100 किलो होते, ऐसा होता है क्या, कुछ कुछ डेटा मिस हो गया, 1000 टन का होता है, 15 डब्बे की रेलगाड़ी तो 15,000 टन, तो ऐसा कुछ होता है। तो इतनी बड़ी भारी रेल को अगर रोकना है तो डेफिनेटली हम एडवांटेज यूज करेंगे, तो एडवांटेज यूज करेंगे तो ब्रेक लगा लगाकर गाड़ी को चलाया नहीं जा सकता, रिवर्स डायरेक्शन में एडवांटेज नहीं मिलेगा, चलाया तो जा सकता है, बोले ट्रक को डिजाइन करो ऐसे कि ब्रेक लगा लगा कर ट्रक चले, पर वो कैसे चलेगा, 1000 बार पैडल को प्रेस करेंगे ब्रेक पैडल को तो ट्रक खिसकेगा 1 इंच, वो रिक्वायरमेंट हमारी नहीं, खिसक तो जाएगा, ट्रक जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रहा है, 20 लोग भी सामने आ जाते हैं, ड्राइवर का ध्यान नहीं है तो रोक नहीं पाएंगे, पर अकेला मरियल सा ड्राइवर एक ब्रेक पैडल पे थोड़ा सा फोर्स लगाता है और भागता हुआ ट्रक रुक जाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिक एडवांटेज। तो चला भी सकता है ब्रेक पैडल दबा दबा के ट्रक, पर इसमें वर्क उतना ही मिलेगा, ये बोले एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन नहीं होगा। तो जब 1000 बार वो पैडल पुश करेगा तो ट्रक जरा सा खिसके, ये हमने देखा कि इलेक्ट्रिक ब्रेक्स कैसे लगते हो। एक लास्ट एप्लीकेशन और लिखो, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग DAMPING डैश, इसमें थोड़ा सा लिखना है एक दो है। टू मेक, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, टू मेक मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स डैट बीट DEAD डैट BEAD बीट डैट बीट, अंडरलाइन कर दो दैट बीट, जिसमें बीट्स पैदा नहीं हो तो उसको बोलेंगे दैट बीट। बीट्स का मतलब यहां पर है फ्लक्चुएशंस, तो तुम्हें लिखा टू मेक मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट दैट बीट, देयर कॉइल्स आर रैप्ड ऑन WRAPPED रैप्ड ऑन, लपेटा जाता है कॉइल्स को किस पर, लाइट मेटल फ्रेम, हल्के मेटल के फ्रेम पर लपेटते हैं जैसे एल्यूमिनियम का फ्रेम, देयर कॉइल्स आर रैप्ड ऑन लाइट मेटल फ्रेम
उसे क्या फायदा होगा जब कॉइल घूमेगी वो हल्का मेटल का फ्रेम है वो भी घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया मैग्नेटिक फील्ड में मेटल घूम रहा है उसमें एडी करंट्स इंड्यूस हो जाएंगे फ्लक्स चेंज करने की वजह से और एडी करंट्स की डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन लेंजेस लॉ के हिसाब से इस तरह से होगी कि उसी कॉज यानी घूमने को अपोज करेगी तो एकदम से नहीं घूम पाएगा धीरे धीरे जाएगा तो निडल अगर एकदम से जाती तो जहां तक उसको जाना था उसको ओवरशूट कर जाती वापस लौटती यानी ऑसिलेट करके रुकती अभी क्या क्या होगा स्मूथली जाएगी एग्जैक्टली वहां रुकेगी ऑसिलेट नहीं करेगी तो जो बीट्स बनते वो नहीं बने तो इंस्ट्रूमेंट कैसा हो जाएगा डेड बीट तो जो तुमने लिखा है वो अपने आप में पूरी बात है तो इंस्ट्रूमेंट को डेड बीट बनाने के लिए लाइट मेटल फ्रेम पर उसकी कॉइल को हमने लपेट दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इसको कहते हैं कि डैम्पिंग हमने प्रोवाइड की कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और कितनी तरह की डैम्पिंग होती है हाइड्रोलिक डैम्पिंग होती है न्यूमेटिक डैम्पिंग होती है इस दरवाजे की बात करें तो इस दरवाजे में ये नीचे जो है इसको बोलते हैं डोर स्टॉपर ये रोक रहा है और जो पीछे है उसको बोलते हैं डोर क्लोजर उस डोर क्लोजर के कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखो उसके आसपास अगर कहीं ऑयल लीक करता हुआ मिले तो तुम बोलोगे हाइड्रोलिक डैम्पिंग प्रोवाइडेड है उसके अंदर सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है जो उस दरवाजे को बंद कर रहा है और अगर ऑयल लीक करता नहीं मिले तो ये न्यूमेटिक अरेंजमेंट है जैसे तुमने कई बार फील किया होगा सिरिंज को इंजेक्शन वाली सिरिंज आगे सुई चौक कर दो लकड़ी में घुसा दो उसका छेद बंद हो गया अब तुम उसको दबाओ यू कैन फील एयर कंप्रेसिबल है पर वापस फिर वो बैक प्रेशर दे जब तुम कंप्रेस करोगे तो वापस वो एक्सपांड होने की कोशिश करेगी इससे हम डैम्पिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं तो अगर एयर यूज करते हैं तो न्यूमेटिक डैम्पिंग लिक्विड यूज करते हैं तो हाइड्रोलिक डैम्पिंग और अगर मेटल का कोई पार्ट यूज करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेक्स्ट इन इलेक्ट्रिक मीटर्स इनको वाट मीटर कह देते हैं पर वाट मीटर नहीं है पावर नहीं नापते ये जो बिजली के मीटर हमारे घरों में लगे होते हैं क्या नापते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन नापते यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ किसी में कंटिन्यू कर दो यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन अभी ये ऑब्सोलीट हो गए क्योंकि आजकल हम एडी करंट वाले मीटर यूज नहीं करते उसमें डिस्क घूमती थी और वो डिस्क घूमती थी बिकॉज ऑफ एडी करंट्स आजकल जो मीटर यूज कर रहे हैं वो डिजिटल हो गए प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक टेक्नोलॉजी अब तो उसमें टेक्नोलॉजी चेंज कर दी क्योंकि लोगों ने उन मीटर को टेम्पर करना शुरू किया मैग्नेट लगाकर स्लो करने की कोशिश की और उसमें सफलता मिली भी सही इसलिए नहीं कि वो डिस्क लोहे की बनी थी और मैग्नेट से अट्रैक्ट होकर रुक गई इसलिए कि वो डिस्क तो बनी थी एल्यूमिनियम की पर मैग्नेट लगाने से उसका मोशन ऑब्स्ट्रक्ट हुआ क्योंकि उस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में वो डिस्क घूमेगी तो उस डिस्क में एक और एडी करंट इंड्यूस होगी वो घूम कूद रही है एडी करंट के कारण उसका मैकेनिज्म है तुम लैब में देख सकते हो अपने मीटर लगाया हुआ है डिस्प्ले में तो उस डिस्क के नीचे से कॉइल होकर जाती थी करंट जब उसमें से होकर जाएगी तो एडी करंट इंड्यूस होगी डिस्क में उससे वो घूमेगी ठीक वैसे जैसे इंडक्शन मोटर घूमती उसके साथ फिर गियर मैकेनिज्म लगा रखा उसे चक्के घूमते थे उसे रीडिंग आगे बढ़ती थी अब जब मैग्नेट लगाया लोगों ने उस पे तो एक और मैग्नेटिक फील्ड आ गया जिसमें डिस्क घूम रही है तो एक और एडी करंट आ गई जो उसके मोशन को अपोज करेगी इसलिए वो स्लो होने लगे तो दिस इज ऑल अबाउट एडी करंट्स अगर तुम इतना जानते हो तो मोर देन सफिशिएंट है ये आर्टिकल यहां खत्म अब हमको पढ़ना है सेल्फ इंडक्शन एनसीईआरटी में पहले म्यूचुअल इंडक्शन है बाद में सेल्फ है हम पहले सेल्फ पढ़ेंगे बाद में म्यूचुअल
heading is self induction. सेल्फ इंडक्शन जो है वो तो एक फिनोमेना है. एग्जाम में जब पूछा जाता है तो सेल्फ इंडक्शन नहीं पूछता तुमसे, पूछते सेल्फ इंडक्टेंस. ये कोफिशिएंट जिसको हम सिंबल कैपिटल एल से दिखा, दोनों को डिफाइन करना होना चाहिए. देखो इट इज अ फिनोमेना. इन विच when current flowing through a given coil, थोड़ा सा modify कर दो statement को. flowing word को एक single line से काट दो. current through a given coil, current through a given coil is switched on. Is switched on, oblique off, or changed. When current through a given coil is switched on करेंगे, off करेंगे, या फिर change करेंगे, then an EMF get induced. In the same coil, due to the change in magnetic flux, an EMF get induced in the same coil due to the change in magnetic flux associated with it. खुद की ही करंट में चेंज होने से, खुद से ही रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से एक और ईएमएफ एग्जिस्टेंस में आ जाएगा और सर्किट तो कंप्लीट है ही सही, तो एक और करंट फ्लो होगी, उसको बोलेंगे बैक ईएमएफ. करंट को बोलेंगे बैक करंट और फिनोमेना को बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन. डायग्राम बनाओगे समझने के लिए, सॉलेनोइड स्टाइल की कॉइल बना दो, पहले वे टर्न्स, इसमें एक बैटरी लगा दो, एसी सोर्स लगा देंगे तो फिनोमिना लगातार होता रहेगा, डीसी सोर्स लगाएंगे तो केवल तब होगा जब ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं या फिर चेंज कर रहे हैं. ऑन ऑफ की चेंज करने के लिए रियोस्टेट. मेन करंट जो फ्लो होगी इसमें वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी. अगर मैं मेन करंट को बढ़ाता हूं एरो ऊपर की तरफ, मतलब बढ़ा है, कैसे बढ़ा सकते हैं, रियोस्टेट में जो जॉकी है अगर मैं उसको स्लाइड करके टुवर्ड्स लेफ्ट लाता हूं, इसका मतलब है रियोस्टेट में रेजिस्टेंस को कम कर रहा हूं. रेजिस्टेंस सर्किट का अगर कम होगा तो करंट बढ़ेगी, तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा. इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ने से रोकने के लिए, लेंज लो अपोज करने के लिए, इसमें एक बैक करंट इंड्यूस होगी और वो बैक करंट फ्लो होगी एंटी क्लॉकवाइज. मेन करंट बढ़ाए तो उसके अपोजिशन में, और मेन करंट को घटाए तो उसके सपोर्ट में. बैक करंट, बैक करंट जो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगी अगर मेन करंट को कम करो, स्विच ऑफ करो. इसे फिनोमेना कहते हैं सेल्फ इंडक्शन. जब हम करंट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये करंट को बढ़ने नहीं दे रहा, जब घटाने की कोशिश करेंगे तो घटने नहीं देगा, दोनों सिचुएशन में अपोज करेगा. तो इसका नेचर इनर्शिया जैसा है जो चेंज को अपोज करता है, इसलिए हम सेल्फ इंडक्शन को इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं. तो स्टेटमेंट लिख दो कि स्टार मार्क करके, सेल्फ इंडक्शन इज आल्सो कॉल्ड
एक नंबर में पूछा जाता है तुमसे, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अंडरलाइन कर दो, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इट अपोजेस, बिकॉज इट अपोजेस द ग्रोथ एज वेल एज डिके ऑफ करंट थ्रू इट. It opposes the growth as well as decay, DECA by decay of current through it. Through it को काटने की जरूरत नहीं है, उसकी decay of current, full stop. Current को ना तो बढ़ने देगा ना तो घटने देगा. अब अगर मेरे पास अलग अलग coils, एक नहीं एक से ज्यादा coils, मैं कंपेयर करना चाहता हूं किसमें सेल्फ इंडक्शन का इफेक्ट ज्यादा होगा किसमें कम होगा, तो मुझे एक क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ेगी. ये ठीक वैसे ही है जब तुम्हारे पास एक से ज्यादा डाइपोल होते हैं और तुम्हें कंपेयर करना होता है कि कौन सा डाइपोल ज्यादा पावरफुल है, तो तुम उसके लिए एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हो जिसका नाम होता है डाइपोल मोमेंट, चाहे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो चाहे वो मैग्नेटिक डाइपोल हो. सिमिलरली यहां पर हम कंपेयर करने के लिए डिफाइन करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस. नेक्स्ट हेडिंग सेल्फ इंडक्टेंस, ये कॉफिशियंट है तो दूसरा नाम भी इसका लिख लोगे, और कॉफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, दोनों ही नाम है सेल्फ इंडक्टेंस और कॉफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. ब्रैकेट में सिंबल बना दोगे कैपिटल एल, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं जैसे तुमने पढ़ा था रेजिस्टेंस, उसके लिए लिखा था V प्रोपोर्शनल I, V इक्वल टू R I. जैसे तुमने पढ़ा था कैपेसिटेंस, तुमने लिखा था Q प्रोपोर्शनल V, देन Q इक्वल टू C V. बिल्कुल वैसे ये तीसरी क्वांटिटी है R और C के बाद L, इंडक्टेंस जो हम पढ़ने जा रहे हैं. तो कैसा रिलेशन बनेगा, उसी तरह का रिलेशन बनेगा. जो फ्लक्स में चेंज होगा, अगर एक टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स में चेंज फाई है करंट आई फ्लो कराने की वजह से, तो टोटल चेंज नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस एन फाई, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा करंट आई के, और प्रोपोर्शनल का साइन जब मैं हटाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे एक कॉस्ट, तो तुम लिख सकते हो when current I is passed through a coil having capital N turns, comma then the total flux linkages N phi proportional I or N phi equal to Li where L equal to N phi upon I is called self inductance for that coil. इसको हम दो अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन हम फॉर्मूले से बनाएंगे, कुछ क्वांटिटीज को वन कर देंगे, विच मे बी डिफाइंड एज, विच मे बी डिफाइंड एज, एग्जाम में पूछे जाने पर तुम कोई सी भी तरीके से डेफिनेशन बना सकते हो. स्टेट बोर्ड में पर्टिकुलर राजस्थान बोर्ड में वो जब पूछते हैं तो बोलते हैं ईएमएफ के टर्म्स में डिफाइन करो, तो ईएमएफ के टर्म्स में डिफाइन करना सिखाऊंगा इस डेफिनेशन के बाद, विच कैन बी डिफाइंड एज रेफरेंस साइड में लिख दो इफ आई इक्वल टू 1 एम्पियर, अगर ये आई 1 एम्पियर हो जाए तो एल बराबर हो जाएगा एन फाइव के, इसके बेसिस पर तुम डेफिनेशन लिख सकते हो इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करके
self inductance of a given coil, self inductance of a given coil is equal to total number of flux linkages is equal to total number of flux linkages associated with it comma when unit current is flown through it, when unit current is flown through it. Full stop. Inverted comma, close. Also, from Faraday's law of EMI, अभी EMF की terms में define करना सिखा रहा हूँ. Also, from Faraday's law of EMI, Faraday law क्या कहता है? E equal to minus, अगर N turns है तो d by dt of N phi, but अभी अभी तुमने सीखा N phi तो किसके बराबर है? Li. So E equal to minus L constant bar times di by dt or L equal to minus E upon di by dt. रेफरेंस साइड में अगर ये di by dt 1 एम्पीयर पर सेकेंड हो जाए देन L E के बराबर हो जाएगा. माइनस साइन तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी पोलैरिटी इस तरह से होगी कि उसी कॉस को अपोज करेगी जिसकी वजह से वो एग्जिस्टेंस में आ रहा है. लेंस लो तो माइनस साइन अगर हटाता हूं तो मैं एक वर्ड यूज करूंगा न्यूमेरिकली ये यूनिवर्सल है. कहीं पर भी तुम्हें नेगेटिव साइन हटाना है जो डायरेक्शन की वजह से आ रहा है तो तुम माइनस साइन हटाकर वहां पे क्या लिख सकते हो? न्यूमेरिकली लिख सकते हो. दैट इज इनवर्टेड कॉमा स्टार कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फॉर ए गिवन कॉइल. कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फॉर ए गिवन कॉइल is numerically equal to EMF induced, numerically equal to EMF induced in it when current flowing through it changes. When current flowing through it changes at a rate 1 ampere per second, current flowing through it changes at a rate 1 ampere per second. Full stop, inverted comma, close. दो तरह से हमने define कर दिया. अब तुम्हें किसी solenoid या किसी coil उसके लिए self inductance का expression derive करना आना चाहिए. दो नंबर में डेरिवेशन आता है. सो नेक्स्ट आर्टिकल है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड. किसी सोलेनोइड के लिए पता कर लेते सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड. डायग्राम बनाएंगे. ये कोई सोलेनोइड है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है. इसकी लेंथ है एल, स्मॉल एल क्योंकि कैपिटल एल से तो इंडक्टेंस दिखाएंगे इसका. मुझे इसका सेल्फ इंडक्टेंस पता करना. रेजिस्टेंस पता करना होता तो क्या करते थे? कैपेसिटेंस पता करना होता तो क्या करते थे? कैपेसिटी पता करनी होती थी तो हम लिखते थे वी नो दैट सी इक्वल टू क्यू बाई वी. वी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के वहां पे रख देते थे एक्सप्रेशन आ जाता था एप्सिलॉन 0 a / d.
L क्या होता है? N phi upon pi लिख दोगे, we know that. For the given solenoid, L equal to N phi upon I. What is N? Total number of turns. बड़ा N total number of turns. छोटा N reference side में mention कर सकते हो. बड़ा N upon छोटा L number of turns per unit length. वही जैसे solenoid में था. फाइव फाइव कितना होता है? बी डॉट ए यानी बी ए कॉस थीटा. हाउ मच इज कॉस थीटा हियर? दिस इज डायरेक्शन ऑफ बी. डायरेक्शन ऑफ ए यहीं पर तुम दिखा सकते हो, सेम उधर ही रख दो. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सॉलोनॉइड का, बी एंड ए बोथ आर अलोंग सेम डायरेक्शन, कॉस जीरो डिग्री अपॉन आई. How much is B for solenoid? B is zero, right? So expression becomes capital N mu zero chota n bada n ka dhyan rakhna. I get cancelled, so expression becomes mu zero ko sabse pehle likha bada n chota n A. Agar is solenoid ki radius R hai to A ho gaya pi R square. मैं उस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं, ए के फॉर्मेट में भी छोड़ सकते हैं. ये जो फॉर्मेट है ये अप्रोप्रिएट नहीं है, बिकॉज बड़े एन में छोटा एन इनबिल्ट है, छोटे एन में बड़ा एन इनबिल्ट है. या तो बड़े एन में बदल दो पूरे को या तो छोटे एन में. अगर मैं बड़े एन को हटा देता हूं तो बड़े एन की जगह लिख सकता हूं मैं छोटा एन इंटू एल. अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को कॉन्स्टेंट रखें तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के. और अगर हम टोटल टर्न्स को कांस्टेंट रखें तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एल के. तुमसे पूछते हैं किन किन फैक्टर्स पर सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है, तो कैपेसिटी किन पर डिपेंड करती थी? ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स, ओवरलैपिंग एरिया, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ये भी ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. रेजिस्टेंस भी किस पर डिपेंड करता था? लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स. तो ये भी ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स जिसमें आ गया एरिया और लेंथ. अगर कैपिटल एन कॉन्स्टेंट है एरिया और लेंथ तब भी आ गया, अगर स्मॉल एन कॉन्स्टेंट है. बस अंतर ये कि एक बार लेंथ के प्रोपोर्शनल एक बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल. उसके अलावा मीडियम, कैपेसिटी भी मीडियम पर डिपेंड करती थी, कौन सा डायलेक्ट्रिक तुमने भरा है k टाइम्स, ये भी मीडियम पर डिपेंड करता. तो काफी आज के लिए इतना. नेक्स्ट टर्न पे ईएमआई खत्म हो जाएगा. एसी जनरेटर ईएमआई में है, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पे.